और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि यदि पार्टी नेतृत्व किसी दबाव या किसी लोभ लालच या किसी अन्य कारण से पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुरूप निर्णय नहीं करता है तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को संपूर्ण अधिकार है कि उस निर्णय को पलट दें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटों का वितरण है वो नेताओं की पसंद के अनुसार किया गया है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा नहीं सुनामी बह रही है, बड़े बड़े पेड़ तंबू उखड़ेंगे, तंबू आप देखते जाना क्या क्या उखड़ जाएगा। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद हरियाणा में इस्तीफों की झड़ी लगी और नेताओं में भाजपा छोड़ने की होड़ मच गई। पूरे हरियाणा से सैकड़ों भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, किसी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और ब्राह्मण नेता जीएल शर्मा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। दरअसल जीएल शर्मा गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार थे। ब्राह्मण नेता होने के नाते जीएल शर्मा टिकट की दावेदारी कर रहे थे। सिर्फ इस बार ही नहीं 2014 और 2019 में भी जीएल शर्मा प्रबल दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा। जीएल शर्मा का कहना है कि भाजपा ने उनके साथ विश्वासघात किया और कुछ बड़े नेताओं के दबाव में आकर गलत टिकट वितरण किए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभी साथियों, जो आज शर्मा जी ने और उनके साथ समस्त लोगों ने जो बहुत अच्छे पदाधिकारी रहे हैं बीजेपी के, अभी भी दिनों से अलग अलग विभागों के उन सब ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ और ये कह सकता हूँ कि ये ठीक समय पर ठीक फैसला लिया है। जब मैं घर में लौट के आता था बहुत खुशी करवाना भी होती है, बहुत खुशी बहुत बहुत बधाई और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस में जो साथी आए हैं शर्मा जी को पहले भी हुआ है उचित मान सम्मान और स्थान मिले। सभी साथियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। पार्टी में भी और क्योंकि ये सांसद निवास है तो ये मेरे नाम निवास है, आप समझ सकते हो। तो आप मेरे घर में आए हो तो इस रूप से भी आप सबका घर में आने के लिए और जीएल जी का घर वापसी के लिए पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा नहीं सुनामी बह रही है, बड़े बड़े पेड़ तंबू उखड़ेंगे, तंबू आप देखते जाना क्या क्या उखड़ जाएगा भाई, आपको पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं वो चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं और वो चुनाव लड़के देख लें तो बहुत बड़े बड़े नेता है ना जो अपने आप को संरक्षित करने की बात करें, जो टिकट दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो सब मामला साफ हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटों का वितरण है वो नेताओं की पसंद के अनुसार किया गया है, मेरिट के अनुसार नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निराश किया है और नेताओं को खुश करने के लिए जो उनके करीबी लोग हैं तो उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं ये मान के चलता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से निराश है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के धेय पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि यदि पार्टी नेतृत्व किसी दबाव या किसी लोभ लालच या किसी अन्य कारण से पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुरूप निर्णय नहीं करता है तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को संपूर्ण अधिकार है कि उस निर्णय को पलट दें। तो आज के दिन पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो गलत डिसीजन हुए हैं उनको पलटने के का काम करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन का पालन करेंगे। यहाँ गुरुग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 200-250 के आसपास कार्यकर्ताओं ने यहाँ त्यागपत्र दिया था और जीएल शर्मा का व्यापक हरियाणा में प्रभाव है। ये लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि मैं खाली गुरुग्राम तक सीमित हूँ, हजारों की संख्या में वहाँ पे ज्वाइनिंग मतलब अपने मूल घर में वापसी का जो समारोह है उसमें पूरे हरियाणा से हमारे ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि आ रहे हैं और ख़ास तौर से
किलोई से, मतलब रोहतक जिले से, सोनीपत जिले से, झज्जर जिले से और रेवाड़ी जिले से इवन, तो हर एक जिले से पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने मूल की तरफ जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, तो ऐसी संख्या आपको वहाँ दिखाई देगी, हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए तो मतलब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 11 साल से रहा हूँ। यहाँ हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, चाहे शहर की बात कर लीजिए, चाहे पानी के जल भराव की बात कर लीजिए, सीवर ओवरफ्लो की बात कर लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं था। कोई नेता, पब्लिक नेता क्यों चुनती है, पब्लिक विधायक क्यों चुनती है, पब्लिक सांसद क्यों चुनती है? सांसद बन के ये कह देने मात्र से मैंने चिट्ठी लिख दी, मैंने ये कर दिया, सांसद बनने के बाद में क्या आपने गुड़गांव की तरफ आके देखा? क्या लगातार कोई भी सांसद बन रहा है? लगातार आपको कोई भी किसी को भी हम सांसद बना रहे हैं, वो खाली चिट्ठी मात्र से, लिखने देने मात्र से, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी मात्र से नहीं बच सकते। इसी तरह से विधायक, इसी तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो गुड़गांव में ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर रहे। मतलब आज अगर हम देखते हैं तो 10 साल से हमारा हॉस्पिटल यूं का यूं जो था वो भी तोड़ दिया, उसको पार्किंग बना रखा है, गुड़गांव कूड़ा घर बन गया है, पार्किंग रखी हुई है। गुड़गांव में आज थोड़ी सी बारिश हो जाए आप निकल नहीं सकते। गुड़गांव के गलियों में सीवर का पानी भरा है। हम बहुत दुखी थे, अधिकारियों को फोन करते थे और मैंने बार बार भी कहा ये है कि भाई अधिकारी सुधर जाए, अगर कोई अच्छा प्रतिनिधि जाता है। ये कारण क्या है कि जब ये घालमेल, या मैं समझता हूँ कि कमजोर नेतृत्व जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके कारण से गुड़गांव की बुरी हालत हुई है। कांग्रेस के समय में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में यहाँ मेट्रो आई थी, अच्छे अच्छे काम जो हुए थे वो सब काम रुक गए। मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ी। हर बार आप झूठ बोल के वोट बटोरने का काम करते हैं कि हम मेट्रो लाएंगे, मेट्रो को आगे बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का बुरा हाल है, यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से कुछ नहीं किया गया। और मैं तो ये कहता हूँ कि नगर निगम में जो मेयर टीम थी जी, उसका जिनको आशीर्वाद प्राप्त था, जिन नेताओं का या सरकार में जी, जिन नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, गुड़गांव का 2000 करोड़ का बजट है प्रति वर्ष का, और 10 साल तक लगातार मतलब मेयर टीम ने काम किया है पहले भी, और अब जो 5 साल तो लगातार आप मान ही लीजिए। और मैं ये मानता हूँ कि 5-4 हजार करोड़ रुपया, अगर मुझे ध्यान नहीं है, परंतु 5 हजार करोड़ भी खर्च किया गया है तो वो कहाँ है? तो भारी करप्शन नगर निगम में, भारी करप्शन हर विभाग में। तो उस करप्शन जीएमडीए लगा लीजिए, जीएमडीए का सपना हमने देखा था, जीएमडीए बनवाने के लिए हमने बात करी थी कि भाई यहाँ की भाई ये मजबूर हो जाए, नगर निगम बन जाए, कुछ अलग हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और कोई, मैं समझता हूँ कि कोई कंट्रोल ना अधिकारियों पर रहा, ना नेताओं पर रहा, और सबने अपने अपने हित साधने का काम किया। जो जनता की दी हुई शक्ति थी उसका व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए उपयोग किया है, जिस कारण से आज यह दशा हो रही है। आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि जीएल शर्मा कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस की सरकार में गुरुग्राम से जिला अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। लिहाजा एक बात तो साफ है कि बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने से भाजपा को विधानसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।